हम उस अदारों को एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सियासी बुनियाद पर भरे चले जाते हैं, तो हम अपने तौर पर वो हुकूमतें जो हैं वो नौकरी दे रही होती हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यही जिसको हम नौकरी दे रहे हैं ये मुल्क में एक अजाब बन जाएगा और एक वक्त आएगा कि इसको फिर निकालना पड़ेगा। तो आम आदमी के लिए अगर आम लफ्ज़ में बयान किया जाए तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह है कि सरकार के हाथ में जो चीज़ें हैं, जो कारखाने चल रहे हैं, जो कंपनी चल रही है, स्टेट मिल हो या PIA हो, ये सब नुकसानात में जा रहे हैं, तो इसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए, इसीलिए कहलाते हैं प्राइवेटाइजेशन। जो सरकार की तहवील में चीज़ें होती हैं वो इफ़िशेंट नहीं है, वो अदारे मसाइल के शिकार रहते हैं, क्योंकि अगर ये किसी प्राइवेट सेक्टर की चीज़ होती जिसने अपना पैसा लगाया हुआ है तो वो पैसा लगाता है पैसा बनाने के लिए, सरकार पैसा लगाती है पैसा बनाने के लिए नहीं। हमारे यहाँ देखा गया कि हम नौकरी देने के लिए करते हैं। हमारे सामने UBL है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2002 में UBL भी इसी तरीके से था, चूँकि वो सरकार के तहवील में थे, वो प्रॉफिट होता है नहीं होता है हु केयर्स, तो वो अदारे बहुत नुकसान में चले गए। और मैं पर्सनली गवाह हूँ UBL के लिए कि एक शाम गालिबन ये 2002 का साल था, शौकत अज़ीज़ साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे, तो UBL की एक जो टीम है जिसमें उनके वर्कर के नुमाइंदे भी थे और भी लोग थे, वो सब आ गए कि जी आप 20 अरब रुपया जो है ना हमें बजट में दें। भाई किस लिए आपको दें? क्योंकि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कि ये सरकार का अब ये काम रह गया है कि इस किस्म के बैंक जिसको प्रॉफिटेबल होना चाहिए था और वो है नहीं, और गवर्नमेंट देती रहे उसको, ये टैक्स पेयर का मनी है, हम आपको दे दें। तो उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता, इसकी प्राइवेटाइजेशन होगी, और फिर वो प्राइवेटाइज किया गया। आज वही UBL एक बहुत ही प्रॉफिटेबल अदारा बन गया है। इसी तरीके से हबीब बैंक को ले लें, इसी तरीके से मुस्लिम कमर्शियल बैंक को ले लें, तो ये बैंकिंग में जो प्राइवेटाइज हुए हैं वो सब आज बहुत ही प्रॉफिटेबल अदारे हैं। लेकिन इसके अलावा भी देखो कि PTCL फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मुल्क में टेलीफोन हासिल करना तो एक क़यामत था ना। जब बच्चे पैदा होते थे कहा जाता है तो बाप माँ उसके लिए टेलीफोन के लिए लैंडलाइन जो है वो टेलीफोन के लिए अप्लाई करते थे। जब बच्चे या बच्ची की शादी हो रही होती थी तो नोटिस आता था कि जी ये डिमांड नोट आ गया है, आपका डिमांड ड्राफ्ट क्या है वो जमा करा दें आप, तो कितने साल लगते थे। आज क्या हो गया, आपके सबके हाथों में फ़ोन आ गया है। तो ये क्या हुआ, जब प्राइवेटाइजेशन की गई 2002 के बाद में, 2001 के बाद में जब हमने टेलीकॉम सेक्टर को खोला, तो आप देखें कि आज सब मसाइल ख़त्म हो गए। चाहे वो आप स्टील मिल को ले लो, चाहे आप PIO को ले लें, इनमें हमने सियासी बुनियादों पे बहुत भर्तियाँ की हुई हैं। और जब आप प्राइवेटाइज करने की बात करेंगे, वो सियासी पार्टियाँ मुखालफत शुरू कर देती हैं जिनके वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं। वो रजिस्टर्ड तो होते हैं स्टील मिल में, रजिस्टर्ड होते हैं PIA में, काम वो पार्टी के लिए करते रहते हैं, तो एक तरीके से पार्टी के वर्कर होते हैं। कौन अपोजिशन में बैठा हुआ है जो भी चाहेगा कि मेरे पार्टी के वर्कर जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएं, क्योंकि वो अपोजिशन में हैं, वो तो दिलवा भी नहीं सकते। आज भी हम 500 के करीब 500 अरब रुपया सरकार का इसी इस किस्म के अदारों के
को के हवाले किए जा रहे हैं। आप खुद देखें कि स्टील मिल पिछले 5 साल से बंद है, एक टन भी जो है कोई चीज़ पैदा नहीं हो रही है वहाँ पर, लेकिन जो मुलाजमीन हैं तनख्वाहें भी ले रहे हैं, फ्री बिजली भी चल रहा है उनका, हर चीज़ उसी हिसाब से। जब कोई शोर मचता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबा खुदा के वास्ते इसको ख़त्म करो, फिर मतलब क्या वो सरकार एक तरीके से पाल रही है ना उन लोगों को, तो ये कैसे कैसे चलेगा इस मुल्क का काम। सरकार को एक तो यह है कि कभी उस बिजनेस में नहीं आना चाहिए जिसके लिए वो ट्रेंड नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट ट्रेंड टू रन ए बैंक, रन ए फैक्ट्री, रन एन एयरलाइन, इसके लिए तो तैयार नहीं होते हैं वो, इनकी ट्रेनिंग नहीं है। ये काम प्राइवेट सेक्टर का है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाए, वो बेहतर तरीके से चलाएंगे। पीटीआई के भी उनका अगर मैनिफेस्टो देखें तो उसमें भी प्राइवेटाइजेशन का जिक्र है कि वो करेंगे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो है बहुत मुश्किल काम है, और हर हुकूमत जो है अपने एजेंडे में तो रखती है, हर के मंशूर में लिखा होगा कि हमने चीज़ों को प्राइवेटाइज करना है, लेकिन जब आ जाते हैं और जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो चूंकि ये बहुत मुश्किल है, बहुत सियासी हो चुका है इसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं।